अभी भी हम मतलब हॉस्पिटल में, ये आज हमको तीसरा दिन है क्यों, तीसरा दिन है ये, घर भी नहीं गए और नहाए भी नहीं है, वही के वही जिन कपड़ों में आए थे ना उसी कपड़ों में अभी भी हम लोग है। तो अभी कुंदन घर गया हुआ है खाना वाना लेने के लिए दीदी और कमल के लिए, चावल वगैरह बोला है, हल्का फुल्का खाना खाने के लिए बोला है, अभी नारियल पानी और सेब वगैरह तो खिला दिए ना अभी। और सुबह से ये जाँचे होगी, देखो ये दीदी की है CBC और ये कमल की है। कुंदन भी आ गया खाना वाना लेके, और ये रहा खाना, देखो ये खाना लाए हैं, थूली और ये दाल है। अभी नॉर्मली यही खाना खाना पड़ेगा दीदी और कमल को, खा लेगा मतलब। तो बीमार होने के बाद ऐसा ही खाना खाना पड़ता है क्या, इसी वजह से बीमारी मत हो ना। कैसा टेस्ट है, कैसा है, अच्छा है? अभी तो यहीं रुक, हम लोग आते हैं नहा धो के ना। कुंदन को बोल दिया कि यहाँ सामान लेगा वो, अगर कुछ भी दवाई वगैरह लाने का रहेगा तो ले आएगा। अभी नहाने और हम दोनों देखो बैग वैग ले लिया है, और तीन दिन हो गए सच्ची बता रहा हूँ क्या, दोनों ने कपड़े भी चेंज नहीं करे, यही के यही कपड़े पहने हुए। तो अभी हम जाते हैं नानिया के घर, चेंज करके आते हैं, नहा धो के आते पहले तो क्या। और मम्मी तन्नु बिट्टू सबके सब मामा के यहीं रुके हुए, उनसे भी मिल आएंगे। भर्ती करा था ना कमल और दीदी को, उसी दिन से उनको भी वहीं छोड़ के आ गए थे, उनसे भी मिल लेंगे। हॉस्पिटल से तो हम लोग निकल के आ गए हैं, अभी हम लोग इधर एक होटल दिख गए यहाँ पे, तो मैंने नानिया को भेजा हुआ है सभी के लिए समोसे लाने के लिए। तो ये देख सकते हो नानिया लेके आ गया है समोसे, दिखा कितने आए रे, 10 कितने के, 100 के 10। डॉक्टर क्यों आया था डॉक्टर, दादी भाई मम्मी क्यों, मम्मी क्यों सही लगे, अच्छा पड़ोस में क्या लगा, मैं वही सोचू मम्मी को क्या हो गया, ठीक है ना। ये समोसे लेके आए हम लोग सभी के लिए, तो ये बिट्टू सबको खिला रहा है, देखो ये इसको भी खिला रहे समोसे, और हमारी तन्नू भी खा रही है, नाना खा ले तू भी। देखो हमारे लिए गर्म पानी भी रखा हुआ था, ये गर्म पानी भी हो गया है, मेरा नहाना तो हो गया, अभी नाना नहा रहा है, और थोड़ी देर से हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। दीदी ने खाना का भी बोला था, जैसे कि थूली और क्या फीकी दाल थी ना, तो दीदी बोल रहे थे मुझे थोड़ा चरका खाना है, तो डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी मिर्ची और हल्का सा तेल डाल के दाल वाल बना के रोटी खिला सकते, ऐसा करके बोला हुआ है ना। तो वो अभी कमल के लिए और दीदी के लिए अभी थोड़ी बहुत दाल बनवा ली है, और रोटी भी अभी बनवा रहे हैं। देखो ये मम्मी बना रहे हैं रोटी, मम्मी देखो ये रोटी बन रही है, मम्मी बना ली दाल, हाँ, दाल बनी। जो हल्की सी मिर्ची वगैरह डाल के, और ये देखो ये बन रही है, गरम लगा मुझे, गरम लगा, हाँ बेटा गरम लग गया ना, जाओ बैठो जाओ चलो, हाँ धुआं लग रहा, तो उधर देखो पानी वानी गरम हो रहा है ना, तो वहां से धुआं आ रहा था, तो इनकी आंखों में जा रहा धुआं। इधर खेलो बेटा, इधर आ जाओ साइड में बैठो, इधर धुआं नहीं आ रहा, जाओ जाओ उधर साइड में बैठो, तन्नू बिट्टू ए छोरो जाओ उधर बाहर बैठो, जाओ धुआं नहीं आएगा, जाओ बाहर। कहाँ है बकरी बताओ, कहाँ पे, आओ तो खिलाओ खिलाओ बकरी को खिलाओ। ये बच्चे बाहर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे, मस्ती मत करो बेटा, नहीं बेटा आपको नहीं ले जाते वहां पर। तो इधर अभी मक्की वक्की सुखा रहे, देखो ये लाल वाली मक्की भुट्टे, हाँ भुट्टे ही है। और ये टिफन भी ले लिया, उनकी दाल बनाई है, ज्यादा तेल वगैरह का मना कराया तो नॉर्मली बनाई हुई है, और रोटी अब थोड़ी बहुत रखी हुई है, तो थैली में रख लेते। मम्मी टेंशन लेने की बात नहीं ना, ठीक है ना, मैं नहीं दूंगा, मम्मी फालतू में यहाँ पे टेंशन लिया कर, क्या हो गया बेटा, यहाँ ही रहो कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग निकलते हैं अभी यहाँ से, नहीं बेटा हॉस्पिटल में नहीं, बच्चों का काम नहीं वहाँ पे बेटा, अभी नहीं इधर रखो ये चोरी, नहीं नहीं बेटा नहीं, बेटा अंदर जाओ जाओ, बाय बाय बोलो दोनों दोनों, बाय बाय बोलो, आओ चलो बाय बाय बोलो, चलो दोनों दोनों बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय नानू चल। ये क्या ऐसा मुंह बना लिया रे तूने, कि घूमने थोड़ी ना जा रहे हम लोग, है जाओ धूप धूप बैठे जाओ अंदर जाओ अंदर छाव में जाओ 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 तन्नू जाओ, हाओ हाओ जाओ, देख तन्नू तो चले गए बैठे, जाओ बेटा जाओ जाओ, और बाद में कुछ और खाने के लिए लाऊंगा ना, जाओ अंदर चले जाओ, जाओ बेटा जाओ, फिर चलेंगे बाद में ना घर।
तो गाइस दीदी की आज छुट्टी हो गई है, मामा के घर से नहा के और दीदी कमल के लिए खाना वाला लेके आए हम लोग हॉस्पिटल। तो यहाँ आके पता चला कि दीदी की रिपोर्ट आ गई है, कमल की भी आ गई है। तो दीदी की नॉर्मल रिपोर्ट आई है, कमल को भी यहीं भर्ती रखेंगे। तो दीदी का डिस्चार्ज हो गया है, तभी दीदी आ रहे हैं। सब कोर्स वगैरह जो भी था ना ले लिया है और अच्छे से एकदम जानकारी पूरी ले ली कि किस तरह से कोर्स वगैरह खिलाना है ना। तभी दीदी का वेट कर रहा हूँ, जैसे दीदी आती है उसको पहले तो मामा के घर छोड़ के आऊँगा, उसके बाद नानिया को, मम्मी को और दीदी को घर पहुँचा दूँगा। तो इधर ये दीदी यहाँ भी आ रही है, तो अभी ले जाता हूँ दीदी को। और इधर ये देख सकते हो लेके आ गया हूँ दीदी को घर, और बिट्टू को देखो, अरे अरे तन्ना अभी तो गया, थोड़ी देर पहले गया था घर, मम्मी ने छुट्टी कर दी दीदी की। तो अरे तुम कैसे कर रहे हो, देखो कैसे कर रहे हो, देखो मस्ती करने लगे, देखो मस्ती मत करो, सीधे मस्ती मत करो। मम्मी मैं नानिया का भी पहुंचाता हूँ, फिर तुम लोग चले जाना घर। अभी फिर से जाता हूँ मैं हॉस्पिटल, क्योंकि नानिया वहीं पर है, नानिया को यहाँ घर पहुंचाना पड़ेगा। घर है ना खुला खुला है, सब सामान बाहर पड़ा हुआ है और बच्चे कोई भी घर पर आ सकते हैं, इस वजह से ताला भी नॉर्मली ताला लगा हुआ है और सामान पूरा का पूरा बाहर है घर पर। घर का काम चल रहा है ना, पूरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। तभी नानिया को, मम्मी को और दीदी को घर पहुँचाना है, तो नानिया को लेने जा रहा हूँ, वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ से नानिया को घर पहुँचाऊंगा। आ गया हूँ मैं हॉस्पिटल, शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और आज 28 तारीख की, 28 तारीख को मैंने यह ब्लॉग शूट करा है, लेकिन 28 तारीख को ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 28 तारीख को शूट करा है, फिर एडिटिंग करता तो ज़्यादा लेट हो जाता क्योंकि आप सभी को पता ही मेरे शाम 6 बजे ब्लॉग आते हैं ना, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया, एक दिन मिस हो गया है। तो अभी कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ, तो ये 29 तारीख को ये वाला ब्लॉग अपलोड होगा है ना। तो दीदी का तो डिस्चार्ज मिल गया है, अभी मैं कुंदन का वेट कर रहा हूँ, कुंदन गया हुआ है घर पर खाना वगैरह लाने के लिए, और कमल के लिए तो नॉर्मल खाना ही, चावल वगैरह दाल वगैरह लाएंगे, बाकी हमारे लिए रोटी वगैरह और सेव की सब्जी कहीं बुला लेंगे, उससे खा लेंगे हम। तभी कुंदन का वेट कर रहा हूँ, नानिया को तो मेरे मम्मी और दीदी के साथ घर पहुँचा दी, मैं वापस अंदर जाता हूँ, कुंदन आएगा खाना लेके तो अंदर आ ही जाएगा, कमल अकेला ही है, अभी उसको बाटल वाटल भी लगवानी है। अभी देखो कमल के लिए ये खाना आया था, ये चावल आए हुए हैं ना, तो उसमें से देखो ये खा रहा है लेकिन ये खा नहीं पाया तो इतना बच गया, क्या कैसे लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, अभी बीमार में ऐसा ही खाना मिलता है।